बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की फोर्थ वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें पहले मैंने आपको लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के सिंपल सिनेरियोज आपको समझाए थे। इसमें डेरिवेटिव के कुछ सिनेरियोज हैं इस वीडियो में, वो मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ। इसमें डिफरेंट थ्योरम है, उसको देखकर फिर हम एक दो एग्जांपल्स करेंगे, और इसके साथ ही फिर आपने इसको खुद ही प्रैक्टिस करनी है, और इसकी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा ताकि फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो। फर्स्ट थ्योरम है लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस डी ओवर डी एस एफ ऑफ एस इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ एस। एफ डैश ऑफ एस ये है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एस। अब ये आपके पास एक थ्योरम है, लेट अगर लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी एक टाइम डोमेन एक फंक्शन है, उसका लैपलास लेना है, तो वो फंक्शन एस डोमेन में हो जाएगा। एफ ऑफ एस एग्जिस्ट फॉर एस ग्रेटर देन ए, जो कि एस ग्रेटर देन ए होगा, देन Laplace of t into f of t, t into f of t equal to minus d over ds into f of s equal to minus f dash of s। अगर हमारे पास एक सिंपल टाइम डोमेन फंक्शन है, उसका लैपलास ये होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ एक टी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, जब टी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके साथ माइनस डी ओवर डी एस आ जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एस। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस और साथ माइनस साइन लगा देंगे, ये हो जाएगा उसका होल लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी। ओके, अब इस चीज़ को हम प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूफ ये है, consider derivative of f of s, derivative of f of s with respect to s equal to d over ds। अब ये जो f of s है, ये function of s है, यानी कि लैपलास लिया हुआ है, इसकी हम डेफिनेशन लिख देंगे, जो कि डेफिनेशन है 0 to infinity e रेज पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, 0 टू इन्फिनिटी डी ओवर डी एस ई रेज पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, 0 टू इन्फिनिटी माइनस टी डी ई रेज पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी। अब यहाँ देखें, ये डेरीवेटिव लिया हुआ है, डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एस लिया हुआ है। अब फंक्शन एफ ऑफ टी है, ये कि कॉन्स्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा, ये फंक्शन है e रेज पावर माइनस एस टी, जो कि इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लेना है, e रेज पावर माइनस एस टी है, फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा इसका माइनस s, ओके, माइनस माइनस t, माइनस s नहीं आएगा, माइनस t आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s है, s s से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस t e रेज पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, अब माइनस साइन बाहर आ गया, और इसके साथ 0 टू इन्फिनिटी टी ई रेज पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। ओके, माइनस 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर एस टी टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अब ये देखें, ये एक मुकम्मल डेफिनेशन बन रही है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, फंक्शन ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई ई रेज पावर माइनस एस टी इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अब ये वाली चीज एक लैपलास की डेफिनेशन जो बन रही है, माइनस साइन लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी। अब ये टाइम डोमेन के फंक्शन के साथ जब ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमारे पास ये लैपलास की डेफिनेशन बन जाती है। अब ये देखें, लैपलास की डेफिनेशन है माइनस एल या माइनस लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी। ओके, लैपलास ऑफ t into f of t equal to minus d over ds into f of s, okay, equal to minus d over ds into f of s। अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी
ये वाला माइनस दूसरी साइड भी चला गया क्योंकि माइनस लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल था डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एस। अब ये माइनस इधर चला गया तो ये बन जाएगा माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हेंस प्रूव्ड। अच्छा जी, तो हमारा चल रहा था लास्ट वीडियो में कि हमने प्रूव किया, प्रूव के बाद इसके बाद हम सिमिलरली दूसरे सिनेरियोस भी देखेंगे। आपके पास था लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, तो इसका ये प्रूव हुआ माइनस डी ओवर डी एस इंटू एफ ऑफ एस, यानी कि माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। ओके, अगर हमारे पास पावर रेस पावर इंक्रीज होती है टी की, लैपलास ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस वन स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। इसी तरह लैपलास ऑफ टी क्यूब एफ ऑफ टी माइनस वन रेज पावर थ्री थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। ओके, इसी तरह ऐसे चलता रहेगा, लैपलास ऑफ टी रेज पावर फोर इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस वन रेज पावर फोर फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। इसी तरह चलते चलते हम nth ऑर्डर तक जा सकते हैं, लैपलास ऑफ टी रेज पावर एन एफ ऑफ टी माइनस एन माइनस वन रेज पावर एन nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। ओके, इसी तरह अगर हम इस एग्जांपल सॉल्व करें, फाइंड द लैपलास ऑफ टी रेज पावर एफ टी रेज पावर थ्री ई रेज पावर माइनस थ्री। अब ये फंक्शन ऑफ टी है, ये टी क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है। लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसके लैपलास फाइंड किया था हमने बाय डेफिनेशन, अब हम डेरिवेटिव के थ्रू भी लैपलास फाइंड किया जा सकता है, तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये टी रेज पावर थ्री ई रेज पावर माइनस टी, ये तो आ जाएगी पावर में, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव हम लेंगे माइनस वन रेज पावर थ्री थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। ये फंक्शन एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या है, एफ ऑफ टी का लैपलास क्या है, एफ ऑफ टी का लैपलास है एफ ऑफ एस। ये एफ ऑफ टी ई रेज पावर माइनस थ्री इक्वल टू वन ओवर एस प्लस वन, ई रेज पावर माइनस टी का जो लैपलास होता है वन ओवर एस प्लस वन होता है ना, उसका थर्ड डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, माइनस वन रेज पावर थ्री इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस डी स्केयर ओवर डी एस स्केयर, ये सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन इसका सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव हम इसका ले लेंगे। एक डेरिवेटिव जब लेंगे ये बन जाएगा माइनस वन इंटू एस प्लस वन रेज पावर माइनस टू, ओके, डी स्केयर ओवर डी एस स्केयर माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे एक बार, ये आ जाएगा माइनस टू डी ओवर डी एस इंटू एफ एस प्लस वन रेज पावर माइनस थ्री। ओके, माइनस टू बाहर आ जाएगा, इसी तरह माइनस थ्री इंटू एस प्लस वन रेज पावर फोर माइनस फोर। ओके, अब इसको प्लस तीन दो छः सिक्स आ जाएगा ओवर एस प्लस वन रेज पावर फोर। अब ये देखें, हमने लास्ट टाइम इसको बाय डेफिनेशन भी सॉल्व किया था कितना कॉम्प्लेक्स हो गया था, लेकिन इसको हमने अब डेरिवेटिव के थ्रू सॉल्व किया और बिल्कुल शॉर्ट हो गया और इसका आंसर इजीली हमने फाइंड कर लिया। अब इसी तरह ये एक फंक्शन है लैपलास ऑफ टी क्यूब माइनस वन ई रेज पावर माइनस टू टी, लैपलास ऑफ टी क्यूब माइनस वन इंटू ई रेज पावर माइनस टू टी, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टी क्यूब इंटू ई रेज पावर माइनस टू टी माइनस लैपलास ऑफ ये वन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू लैपलास ऑफ ई रेज पावर माइनस टू टी। ओके, अब यहाँ है टी क्यूब माइनस वन रेज पावर थ्री थर्ड डेरिवेटिव डी क्यूब ओवर डी एस के डी एस इंटू वन ओवर एस प्लस टू, वन ओवर एस प्लस टू इसका लैपलास ले लिया, माइनस इंटू वन ओवर एस प्लस टू इसका भी लैपलास ले लिया। अब ये माइनस वन आएगा और
इसको माइनस वन इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक डेरिवेटिव लेंगे इनटू एस प्लस टू रेज पावर माइनस टू सेकेंड, अब माइनस वन और एस प्लस टू ये एज इट आ जाएगा, और इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस टू फिर बाहर आएगा, इसका डी ओवर डी एस एस प्लस टू टू का रेज पावर माइनस थ्री माइनस वन और एस प्लस टू। अब ये हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया, इसी तरह एक बार फिर और डेरिवेटिव ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस टू इंटू माइनस थ्री एस प्लस टू रेज पावर माइनस फोर माइनस वन और एस प्लस टू। ओके, लैपलास ऑफ टी क्यूब माइनस वन ई रेज पावर माइनस टू टी, ये हो जाएगा सिक्स और एस प्लस टू रेज पावर फोर माइनस वन और एस प्लस टू, ये है आपका फाइनल आंसर। अब इस एग्जांपल के बाद एक डिफरेंशियल फार्मूला है, इसको भी हम देखेंगे। डिफरेंशियल, लेट एफ बी द कंटिन्यूस फंक्शन जीरो टू इंफिनिटी एंड ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में है। लेट एफ बी द पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन द ऑन एवरी फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए ए लेस देन टी एंड टी लेस देन बी, देन the Laplace of f dash of t, Laplace of f dash of t there exist for s is greater than a, and the Laplace of f of f dash of t equal to minus equal to s into Laplace of f of t minus f of 0। okay, ab ye dekhen difference ko pehle mind mein rakhen, pehle ye function f of t tha, f dash of t nahi tha, t into f of t था, उसका हमने लैपलास लिया माइनस वन रेज पावर n इन nth डेरिवेटिव ऑफ f of t, f of s। अब हमने क्या किया, ये f dash of t है, इसको पहले s मल्टीप्लाई होगा into लैपलास ऑफ f of t, यानी कि f of s, s into f of s, इसको दूसरे अल्फाज में हम इस तरह भी लिख सकते हैं s into f of s s plus f of 0 plus नहीं minus f of 0 या minus है। okay, अगर आपके पास first derivative है, second derivative, let's suppose इधर आपके पास second derivative है, second derivative में क्या होगा, s square into f of s minus f of 0, और उसके साथ एक और टर्म भी आएगी, एक और टर्म भी आएगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ वो क्या आएगी। ओके, बल्कि प्रूव करके बताऊंगा कि क्या आएगी, इस तरह आपको माइंड में नहीं रहेगा। अच्छा जी, ये है s इंटू एफ ऑफ s माइनस एफ ऑफ जीरो, इसको हमने प्रूव करना है। लेट लैपलास ऑफ f डैश ऑफ t इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी e रेज पावर माइनस एस टी एफ डैश ऑफ t डी टी, e raise power minus st f of t 0 to infinity plus s 0 to infinity integral 0 to infinity f of t e raise power minus st dt। okay, ab kya kiya, humne first function as it liya, derivative integration of second function plus s integral sign, phir integration of second function derivative of first function, derivative of first function equal to e raised power minus st into s minus s, minus s bar multiply hoga to plus s ho jayega। okay, ab humne kya kiya, e raised iske andar humne limits put kar di, pehle infinity ki limit put kare, minus sign dal ke fir lower limit zero put kar de, e raised power minus s into infinity f of infinity minus e raised power zero f of 0 plus s into laplace of this function laplace of f of t। okay, ab ye dekhen ye ho gaya infinity ki wajah se, infinity ki wajah se ye sara kya ho jayega zero, ye infinity ki wajah se ye sara ho jayega zero, aur ye wali value e raise power 0 hai, e raise power 0 equal to 1 f of 0
बाकी बचेगा एफ ऑफ ज़ीरो, इसके बाद एस इंटू लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, ये फंक्शन एज इट आ जाएगा। सो प्रूव हुआ लैपलास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एस इंटू लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। ये था जब एफ ऑफ टी फर्स्ट फंक्शन, एफ ऑफ टी जो फंक्शन था उसका फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब हम अगर सेकंड डेरिवेटिव पे आए तो लैपलास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी एस इंटू लैपलास ऑफ एफ एफ डैश ऑफ टी माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो। ओके, अगर आप पिछले सिनेरियो को माइंड में रखें और इसको एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करने से क्या होगा, एस इंटू लैपलास ऑफ एफ एफ डैश ऑफ टी माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो, यानी कि अगर यहाँ डबल डेरिवेटिव था तो इधर सिंगल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ अगर सिंगल डेरिवेटिव था विदाउट डेरिवेटिव और विदाउट डेरिवेटिव आ गया, और इसके बाद अब लैपलास ऑफ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ये बनेगा एस इंटू एस लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो। ओके, एस इंटू एस एस स्केयर लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि थर्ड टर्म क्या होती है, ठीक है, एस स्केयर लैपलास ऑफ एफ एफ ऑफ टी माइनस एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो, ये आ गया। इसी तरह सिमिलरली अगर हम इसको एक्सपेंड करते जाएं और डेरिवेटिव इंक्रीज करते जाएं, थर्ड डेरिवेटिव आएगा तो यहाँ एस क्यूब लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो, ओके, माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो। इसी तरह ये चलता रहेगा। सिमिलरली एफ रेज पावर एन ऑफ टी, यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव s रेज पावर n लैपलास ऑफ f ऑफ t माइनस s इंटू n माइनस 1 f ऑफ 0 s इंटू n माइनस 2 s s रेज पावर n माइनस 2 f डैश ऑफ 0। ओके, s इंटू n s रेज पावर n माइनस 3 f डबल डैश ऑफ 0 s raised power n minus 4 f triple derivative of 0 continue to f n minus 1 into 0 n minus 1 into 0। ये है इसका general order और general formula जिसमें हम अप्लाई करके अपनी डिजायर्ड वैल्यू ले सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है यूनिट स्टेप फंक्शन। लेट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, देन द फंक्शन यू नॉट डिनोट्स जीरो टू इंफिनिटी बाय यू ए ऑफ टी इक्वल टू यू ए ऑफ टी, सबस्क्रिप्ट में ए लिखा हुआ है, ए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसकी लिमिट में हमने जीरो के बजाय ए कर दिया है। अगर टी इज लेस देन ए, टी इज लेस देन ए, देन द फंक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। इफ टी इज ग्रेटर देन ए, देन द फंक्शन विल बी इक्वल टू वन। यूजुअली यूनिट स्टेप फंक्शन होता है क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन ये होता है अगर टी इज लेस देन जीरो है तो फंक्शन जीरो होगा, अगर टी इज लेस ग्रेटर देन जीरो है तो t इक्वल टू वन होगा, यानी कि टू स्टेट्स हैं, या तो जीरो होगा या वन होगा। ओके, अब इसी तरह जीरो की जगह पे उसने a लिख दिया, यू ए ऑफ t इक्वल टू t इज लेस देन और इक्वल टू a, व्हिच विल फंक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। इफ t इज ग्रेटर देन a, देन द फंक्शन विल बी वन, इज कॉल्ड द यूनिट स्टेप फंक्शन। एंड इफ a इक्वल टू जीरो, देन u not of t equal to 0 if t is less than 0, if t is greater than 0 then equal to function will be equal to 1, since a u a is noted an interval 0 to infinity, we have
u naught of t equal to 1 for t greater than 0. Okay, u naught है, ये u a नहीं है, u naught है. Clearly unit step function is of exponential order. Exponential order का unit step function क्या होगा? Let u a is a unit step function. Then the Laplace of u a of t equal to e raised power minus a s over s. Okay. अब क्योंकि unit step function क्या होता है? Unit step function या तो zero होता है या one होता है. अगर one हो value, उसका Laplace होगा one over s. अगर आपके पास unit step function एक exponential function के साथ multiply हो रहा है, तो यानी कि एक exponential term है, यानी कि ये वाली condition है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें e रेज पावर माइनस ए एस मल्टीप्लाई हो जाएगा और वन ओवर एस तो ऑलरेडी आएगा, क्योंकि वन का जो लैपलास होता है वो होता है वन ओवर एस. अब हम प्रूफ करेंगे इस चीज को, हमने प्रूफ करना है लैपलास ऑफ यू ए ऑफ टी इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी e रेज पावर माइनस एस टी यू ए ऑफ टी डी टी. ओके, जीरो टू इनफिनिटी e रेज पावर माइनस एस टी डी टी. अब u क्या है? u एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, जीरो से इनफिनिटी यानी कि पॉजिटिव साइड पर ये इक्वल टू वन होता है, इसलिए यहाँ वन आ गया. ओके, अब वन भी आया लेकिन u a of t है, तो a of t हम इसकी लिमिट भी a से स्टार्ट कर रहे हैं जीरो की बजाय. अगर हम यहाँ a जीरो होता तो फिर हम जीरो से स्टार्ट करते. अगर हमारे पास यहाँ a है तो अब हम a से स्टार्ट करेंगे और इसको वन कर देंगे, क्योंकि a से ग्रेटर जो वैल्यूज हैं वो u की वैल्यूज वन होंगी. इसी तरह e रेज पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, अब इसका हमने इंटीग्रल लेना है e रेज पावर माइनस एस टी और माइनस s इन्फिनिटी लिमिट है a टू इन्फिनिटी. अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं ये सारा हो जाएगा जीरो. अगर हम a पुट करते हैं e रेज पावर माइनस ए एस e रेज पावर माइनस ए एस और माइनस s, लेकिन माइनस बाहर भी होगा क्योंकि हम लिमिट पुट करेंगे, फर्स्ट लिमिट माइनस साइन फिर सेकंड लिमिट जो माइनस साइन होगा, और सेकंड लिमिट पुट करेंगे वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e रेज पावर माइनस ए एस ओवर s, वेयर s इज ग्रेटर देन जीरो. ये देखिए प्रूव हो गया, इस चीज को हमने प्रूव करना था, इस चीज को प्रूव हो गया कि e रेज पावर माइनस ए एस और एस. ओके, नेक्स्ट थ्योरम है यू ए ऑफ टी फंक्शन ऑफ टी माइनस ए जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी माइनस ए इफ ए इज इफ जीरो इज लेस देन टी एंड टी लेस देन ए एफ ऑफ टी माइनस ए इफ टी इज ग्रेटर देन ए. अगर आपका टी ग्रेटर है ए से देन फंक्शन होगा एफ ऑफ टी. अगर आपका फंक्शन जीरो और ए के बिटवीन है वो होगा जीरो, क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन आया हुआ है, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ ए, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ ए जो है यानी कि ए से जो ग्रेटर वैल्यूज होंगी उस पर तो फंक्शन होगा वन. ये सारा फंक्शन वन हो जाएगा, वन जब मल्टीप्लाई होगा इस फंक्शन के साथ ये बन जाएगा एफ ऑफ टी माइनस ए. अगर लेस देन वन है, लेस देन वन है तो ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा जीरो. ठीक है, अब जीरो से ए तक जो वैल्यूज होंगी वो जीरो होंगी. अगर ये माइनस साइन जाता है तो तब भी ये वैल्यू माइनस होंगी, क्योंकि हमने दो सिनेरियोज यहाँ देखने थे, जीरो से ग्रेटर वैल्यूज, जीरो से ग्रेटर, जीरो से ए तक तो ये फंक्शन जीरो होगा क्योंकि ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है एफ एफ ऑफ टी माइनस ए है इस वजह से, क्योंकि जो लिमिट है जीरो और टी के दरमियान है, जीरो और टी, जीरो और ए के दरमियान, जीरो और ए के दरमियान तो ओवरऑल फंक्शन जीरो हो जाएगा. अगर ए से ग्रेटर वैल्यूज आ जाती हैं, ग्रेटर वैल्यूज आ जाती हैं तो फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस ए होगा फंक्शन. अब आ जाते हैं एक और एग्जांपल पर जो कि हमने ऊपर दी हुई है, इस एग्जांपल को हमने प्रूव करना है. फाइंड द लैपलास ऑफ यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए. इसका लैपलास फाइंड करना है, ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू डी टी.
ओके अब क्योंकि यू ए ऑफ टी है तो हम यहाँ लिमिट में ए पुट करेंगे देंगे इंटेग्रल ए टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए। ओके अब हम सपोज करेंगे टी माइनस ए इक्वल टू टाओ, टी माइनस ए इक्वल टू टाओ है तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या बनती है, टी की वैल्यू बनेगी टाओ प्लस ए। ओके अब हम टी की वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन वही ए टू इन्फिनिटी, यहाँ ए आएगा जीरो नहीं आएगा, ए टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी प्लस ए इन टू एफ ऑफ टॉ माइनस टॉ प्लस ए एफ ऑफ टॉ इन टू डी टॉ। अब हम डी टॉ के थ्रू हम सारा क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दो फंक्शन बन जाएंगे ई रेज पावर माइनस एस टॉ ई रेज पावर माइनस एस ए, ई रेज पावर माइनस ए एस जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टॉ इन टू एफ ऑफ टॉ इन टू डी टॉ। ओके अब ये एक लैपलास का फंक्शन बन रहा है, लैपलास की डेफिनेशन बन रही है जो कि बनती है एफ ऑफ एस ई रेज पावर माइनस ए एस। ओके अब इस फंक्शन का हमने लैपलास लिया और फंक्शन ने बना ई रेज पावर माइनस ए एस इन टू एफ ऑफ एस। ओके ये वाला फंक्शन ई रेज पावर माइनस ए एस इन टू एफ ऑफ एस। ओके अब इस थ्योरम को नेक्स्ट थ्योरम है, इसको भी हमने प्रूव करना है। इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ एस देन लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी इक्वल टू एस टू एस इंटीग्रल लिमिट एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू इंप्लाइज दैट लैपलास ऑफ जीरो टू टी इंटीग्रल जीरो टू टी एफ ऑफ यू डी यू इक्वल टू वन ओवर एस लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी। प्रूफ g of t equal to integral 0 to t f of u into du f of u du equal to इस फंक्शन को हमने क्या कर दिया equal to g कर दिया is a continuous function of t since f of t is the function of exponential order f of t less than or equal to m e raised power a in a t e रेज पावर ए टी। अगर इसकी जगह पे जी ऑफ टी लिखें और जी ऑफ टी का जो फंक्शन है जी ऑफ टी का फंक्शन जीरो टू टी एफ ऑफ यू इन टू डी यू लेस देन और इक्वल टू एम इन टू जीरो टू इन्फिनिटी जीरो टू टी ई रेज पावर ए यू डी यू। ओके एम और ई रेज पावर ए यू ए रेज पावर ए यू है, इसका हम इंटेग्रल ले लेंगे ए यू ओवर ओवर ए। ठीक है अब यू का हमने लिमिट पुट करनी है, यू की लिमिट पुट करेंगे एक मरतबा आ जाएगी टी और एक मरतबा आ जाएगी जीरो, जीरो की वजह से ये सारा वन बन जाएगा जो कि ये वन लिखा हुआ है, जब हम टी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ई रेज पावर ए टी। ये ओवरऑल फंक्शन बन गया एम ओवर ए टू ई रेज पावर ए टी माइनस वन। इसी तरह लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू लैपलास ऑफ जी डैश ऑफ टी लैपलास ऑफ जी डैश ऑफ टी, अगर जी डैश ऑफ टी है यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है एस इंटू लैपलास ऑफ जी ऑफ टी इंटू जी ऑफ जीरो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी एस इंटू लैपलास ऑफ जी ऑफ टी जी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन बन गया। अगर इसको हम लिखें Laplace of g of t equal to 1 over s Laplace of f of t, Laplace of अब g की जो फंक्शन है g का फंक्शन हमने दिया हुआ है 0 to t f of u into du। ठीक है अब ये बन जाएगा f of s into 1 over s। ठीक है f of s and prove अब ये जो है इस फंक्शन को हमने प्रूव करना था f of s over s जो के ऊपर बताया हुआ है ये वाला
लाप्लास ऑफ, अब ये वाला फंक्शन कौन सा है? ठीक है, ये वाला फंक्शन, ये जो जी फंक्शन है यही दिया हुआ है, लाप्लास एफ ऑफ एस ओवर एस, इस चीज को हमने प्रूव करना था और वो चीज नीचे आ गई है, ये एफ ऑफ एस ओवर एस, ये एफ ऑफ एस लिखा हुआ है ना, जो कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है, इसको एफ ऑफ एस भी कहते हैं, वन ओवर एस, इस चीज को हमने प्रूव कर लिया। अब है इनवर्स लाप्लास की ट्रांसफॉर्मेशन, इसका भी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आप एमसीक्यूज वाइज इसको रेडी कर लें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एमसीक्यूज आप माइंड में रखें, शायद एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आएगा, अगर आपकी प्रॉब्लम्स होंगे तो प्रॉब्लम्स भी आपको दिए जाएंगे, आपको मैं असाइनमेंट में दूंगा, उसमें भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब फंक्शन है एफ ऑफ एस, इसका अगर हम इनवर्स लैपलास लें तो एफ ऑफ टी आएगा, अब जो फंक्शन इसका अगर आप लैपलास लें तो फंक्शन एफ ऑफ एस आएगा, ई रेज पावर ए टी एंड टू एफ ऑफ टी, अगर आप इसका लैपलास ले लेते हैं, लैपलास होगा एफ ऑफ इंटू एस माइनस ए, क्यों? क्योंकि ई रेज पावर माइनस ए टी था, ई रेज पावर ए टी, एस माइनस ए आ जाएगा ना, तो यहाँ आप इसका हम इनवर्स लैपलास लेंगे, ई रेज पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी, अब इसका आप इनवर्स लैपलास ले लें, एफ डैश एफ रेज पावर एन इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है, एफ रेज पावर एन इंटू एस, इसका इनवर्स लैपलास लेंगे, माइनस वन रेज पावर एन टी एन एन टी रेज पावर एन इंटू एफ ऑफ टी, माइनस वन रेज पावर एन टी रेज पावर एन इंटू एफ ऑफ टी, ओके, इनवर्स लैपलास ऑफ एफ ऑफ एस आवर एस, एफ ऑफ टी ओवर टी, ओके। अब ये चीजें मैंने आपको पहले प्रूव करी हैं लैपलास के थ्रू, लेकिन इसका इनवर्स लैपलास, ये इनवर्स लैपलास देखना है, अगर आपके पास ये फंक्शन था उसका लैपलास ये आ रहा था, अब आपने इसका इनवर्स लैपलास लेना, इनवर्स लैपलास लेंगे तो वापस उसी फंक्शन में जाएंगे, अब ई रेज पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस, ये हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया है, ये क्या बनेगा, यू ए ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए, ओके। अब लैपलास ऑफ फाइव एस और एस स्क्वायर प्लस फाइव, अब ये देखें ये फंक्शन क्या बन रहा है, फाइव अगर बाहर लिया जाए तो एस और एस स्क्वायर प्लस फाइव, ये क्या बन रहा है, कॉस का फंक्शन बन रहा है, कॉस एफ कॉस फाइव अंडर रूट इंटू टी, कॉस फंक्शन, एक एग्जांपल मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ कि फाइंड द इनवर्स लैपलास ऑफ वन आवर एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस 15, अगर हम इसका इसके फैक्टर ले लें, इसके फैक्टर रहेंगे तीन और पाँच, तीन पंजे पंद्रह, ठीक है, अगर वन आवर एस प्लस फाइव इंटू एस माइनस थ्री, इसको अब हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ए आवर एस प्लस फाइव प्लस बी आवर एस प्लस थ्री, जब ये सिनेरियो बन जाए तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन ले सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद हम ए और बी की वैल्यूज फाइंड करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन से हम ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे वन बन जाएगा, इधर एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू एस प्लस थ्री बन जाएगा, एस माइनस थ्री बन जाएगा, प्लस बी इंटू एस प्लस फाइव बन जाएगा, एक बार एस इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी वन ओवर एट, और फिर एस इक्वल टू माइनस फाइव पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि माइनस वन ओवर एट होगी, अब वन ओवर एट हमने वैल्यूज पुट कर दी, माइनस वन ओवर एट प्लस वन ओवर एट, ए और बी की जगह पे पुट कर दिया, अब वन ओवर एट को हमने ले लिया बाहर कॉमन, तो ये माइनस माइनस वन ओवर एस प्लस फाइव ये आ गया, प्लस वन ओवर एस प्लस थ्री ये आ गया, अब हमने लेना है दोनों तरफ से इनवर्स लैपलास, वन ओवर एट इनवर्स लैपलास ऑफ वन ओवर थ्री एस माइनस थ्री, माइनस वन ओवर एट इनवर्स लैपलास ऑफ एस वन ओवर एस प्लस फाइव, ओके, वन ओवर एट लैप इनवर्स लैपलास ऑफ दिस फंक्शन क्या बनेगा, ई रेज पावर ई रेज पावर थ्री टी, माइनस वन ओवर एट ई रेज पावर माइनस फाइव टी, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा था ई रेज पावर ए टी का लैपलास होता है वन ओवर एस माइनस ए, ओके, ई रेज पावर माइनस ए टी हो उसका लैपलास होगा वन ओवर एस प्लस ए, ओके, तो एस प्लस ए था यहाँ, एस प्लस एस माइनस थ्री है तो ई रेज पावर थ्री टी आ जाएगा, अगर यहाँ ए की जगह पे फाइव है यानी कि एस प्लस ए है तो ई रेज पावर माइनस फाइव टी आ जाएगा,
ये था आपका फंक्शन। अब ये आपको लैपलास की एक एग्जांपल दे दी, इसी तरह आपने एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है। और इनवर्स लैपलास यहाँ तक हो गया, और उसके बाद अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं कुछ, उसको हमने सॉल्व करनी है, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।